हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अचीव आईएएस। माय नेम इज आकाश विजयन और आज है 25 दिसंबर 2020। ठीक है, तो आज तो मतलब बहुत ज़्यादा स्पेशल डे है और हम लोग यहाँ पर क्यों हैं? हम लोग यहाँ पर है द हिंदू की एनालिसिस के लिए। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए अब लोग हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की बर्थ एनिवर्सरी भी है। ठीक है, एंड आफ्टर दैट मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम एंटायर अचीव आईएएस टीम। ठीक है, तो एंजॉय योर डे टू द फुलेस्ट। तो पहला आपका आर्टिकल है इंडिया फाइल्स अपील अगेंस्ट वोडाफोन केस वर्डिक्ट। ठीक है, तो आपको पता है कि कल तो जो हमने पढ़ा था, कल हमने किसके बारे में पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था कि जो केन एनर्जी करके जो आपकी फर्म थी उसके फेवर में आपके ट्रिब्यूनल का डिसीजन आया था। लेकिन सेप्टेम्बर में आप लोगों को याद होगा, सेप्टेम्बर में वोडाफोन के फेवर में भी आया था कि जिसमें कि बिल्कुल सेम केस था। ठीक है, जो आपके मतलब उसमें भी इंडिया को कुछ पेमेंट करनी थी, कंपेंसेट जो है वोडाफोन को करना था, एक वो भी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स वाले ही केस था वो भी। ठीक है, तो अब वोडाफोन वाले केस में क्या किया, वोडाफोन वाले केस में इंडिया ने अब एक अपील फाइल करने की अब जो है अपना पूरा फैसला ले लिया है। इंडिया चैलेंज इन अ सिंगापुर कोर्ट द इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल वर्डिक्ट दैट ओवरटर्न इट्स डिमांड फॉर 22,100 करोड़ रुपीज। ठीक है, तो आपको पता है कि 22,100 करोड़ रुपए की जो है इंडिया ने डिमांड की थी वोडाफोन से। ठीक है, लेकिन वो डिसीजन जो है वो इंडिया के फेवर में नहीं आया था, वो वोडाफोन के फेवर में आया था। ठीक है, तो उस डिसीजन में जो है आपके जो आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल है उन्होंने ये कहा था कि जो भी डिमांड इंडिया की है वो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, वो बिल्कुल ही इनवैलिड है। इंडिया हैड 90 डेज टू फाइल एन अपील एंड द सेम वॉज डन इन सिंगापुर कोर्ट अर्लियर दिस वीक। ठीक है, इंडिया के पास 90 दिन का समय था। ठीक है, मतलब 3 महीने अप्रोक्स जो है इंडिया के पास समय था एक अपील के लिए रिक्वेस्ट फाइल करने का, जो कि अब इंडिया ने फाइनली कर दिया है इस हफ्ते के स्टार्टिंग में। ठीक, दिस अपील ऑल्सो सेट्स द स्टेज फॉर द गवर्नमेंट टू चैलेंज द ऑर्डर ऑफ अ 3-मेंबर ट्रिब्यूनल एट द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इन द हेग। ठीक है, तो मतलब अब जो है आपको पता है कि दोनों केस में जो बिल्कुल सेम सेम है, जो आपका कल केन एनर्जी वाला हुआ और जो आपका वोडाफोन वाला था। ठीक है, तो सेम केस है, तो अब एक सेम केस पे इंडिया के अलग स्टांस तो रह नहीं सकते। ठीक है, स्टांस इंडिया को अपना यूनिफॉर्म रखना पड़ेगा दोनों पर। ठीक है, तो अब जो है कहीं ना कहीं हम इस बात की उम्मीद रख सकते हैं कि अब कुछ समय के बाद इंडिया केन वाले केस में भी जो है एक फिर से अपील रिक्वेस्ट डाल देगा। ठीक है, और जो कि हमें गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स से लगा भी था हाल, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि हम लोग हैं सारे पॉसिबल ऑप्शंस को एक्सप्लोर करके देखेंगे। तो आपको पता ही था वो केस जब ये हुआ था आपका आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल वाला वोडाफोन का जो हुआ था, तो उस वक्त पूरी जो कंट्रोवर्सी थी वो पूरी बता दी गई थी कि 2012 में जो लॉ लाया गया था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, तो उसमें रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स मांगा गया था और जो उनके 2007 या 2006 में जो उनकी ट्रांजेक्शन हुई थी उससे रिलेटेड जो है टैक्स मांगा गया था कुछ ज्यादा बड़ी मात्रा में। ठीक है, एक्सोर्बिटेंट अमाउंट था बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत बड़ा अमाउंट था। बोथ वोडाफोन एंड केन हैड चैलेंज द टैक्स डिमांड्स अंडर बायलैटरल इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन ट्रीटीज एंड इनिशिएटेड आर्बिट्रेशन। ठीक है, आपको पता है कि वोडाफोन और केन में आपकी यूके ओरिजिन की कंपनीज हैं। ठीक है, तो यूके के साथ इंडिया का इन्वेस्टमेंट एक ट्रीटी थी, इन्वेस्टमेंट पैक्ट था। ठीक है, तो ऐसा यही कहता है कि जो वो ट्रीटी है, जो वो पैक्ट है, उसके वॉयलेशन में जो है ये टैक्स डिमांड जो है पूरी पूरी जा रही है। ठीक है, इस वजह से जबकि वोडाफोन और केन है उन्होंने इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में केस फाइल किया था। सोर्सेज सेड द गवर्नमेंट बिलीव्स दैट टैक्सेशन इज नॉट कवर्ड अंडर इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन ट्रीटीज विद वेरियस कंट्रीज। ठीक है, लेकिन सोर्सेज का ये कहना है कि सरकार का मानना ये है कि टैक्सेशन जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन ट्रीटीज में कहीं भी नहीं आती है, उनको कहीं पर भी वहाँ पे मेंशन नहीं किया जाता है। टैक्सेशन जो है आपका वो एक देश का सॉवरेन राइट है। ठीक है, वो अपनी मर्जी से उसको एक्सरसाइज कर सकता है, किसी और देश के साथ किसी ट्रीटी पे वो है वो डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपका गवर्नमेंट का स्टांस है और जो आपके जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले जस्ट आपको बताया कि वोडाफोन और केन का स्टांस क्या था। ठीक है, तो अब परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या है। ठीक है, PCA परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ठीक है, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो आपकी कहाँ पर है, नीदरलैंड्स में। ठीक है, वहीं पर आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है। ठीक है, इट इज नॉट अ कोर्ट इन द ट्रेडिशनल सेंस बट प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। ठीक है, एक अगर हम ट्रेडिशनल सेंस की बात करें तो एक कोर्ट नहीं है, एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है, मतलब दो पार्टीज के बीच में कोई डिस्प्यूट को सॉल्व करवाती है। ठीक है, कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स यहाँ पर नहीं होती। ठीक है,
आपको पता है इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को लेकर जो डिस्प्यूट यहाँ पर आते हैं उन्हीं को जो है यहाँ पर मोस्टली सॉल्व किया जाता है, ठीक है, बिटवीन मेंबर स्टेट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट पार्टीज। द केस स्पैन अ रेंज ऑफ लीगल इशूज इन्वॉल्विंग टेरिटोरियल एंड मैरिटाइम बाउंड्रीज, सॉवरेनिटी, ह्यूमन राइट, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनेशनल एंड रीजनल ट्रेड, ठीक है। तो ये सारे जो आपके डोमेन्स है इनमें जो है अपनी ये प्रोसीडिंग्स करता है इन सारी फील्ड में। द पीसीए इज कॉन्स्टिट्यूटेड थ्रू टू सेपरेट मल्टीलेटरल कन्वेंशन विद द कंबाइंड मेंबरशिप ऑफ 122 स्टेट्स, ठीक है, 122 स्टेट्स जो है इसमें है। द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अ यूनाइटेड नेशन एजेंसी बट द पीसीए इज एन ऑफिशियल यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर, ठीक है। तो ये आपके प्रिलिम्स के लिए हो सकते हैं, हमें पूछा जा सकता है, ठीक है, जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं कि ये यूएन की एजेंसी है या नहीं, ठीक है, और मतलब कि ये कोर्ट है, ये ट्रेडिशनल सेंस में है या नहीं, या फिर ये एक यूएन एक ऑब्जर्वर है यूएन का, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके घुमा घुमा के पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट आपका आर्टिकल है लर्निंग टू लेट गो, ठीक है, ये आपका इसी से रिलेटेड है, ठीक है, जो आपको मैंने अभी बताया ना केन एनर्जी और वोडाफोन वाला, ठीक है, उसी से रिलेटेड आपका ये वाला आर्टिकल है, ठीक है। द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एट द हैग ऑन वेडनेसडे रूल इन फेवर ऑफ एनर्जी फॉर्म केन पीएलसी ओवर रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स डिमांड वर्थ ₹24,500 करोड़, ठीक है। तो वोडाफोन वाले में गवर्नमेंट ने 22,000 करोड़ रुपए की मांग करी थी, ठीक है, और आपके केन वाले में किया आपका 24,500 करोड़ रुपए की डिमांड थी, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि ये लगाया क्यों गया था, क्योंकि आपको पता है कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन जो है वोडाफोन द्वारा किया गया 2006 और 2007 में, तो यहाँ पे गैप होना चाहिए था बीच में, ठीक है, यहाँ पे गैप नहीं हो पाया, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है, ये यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ एक बार, यहाँ पे 6 के बाद जो है एक हाइफन लगाना चाहिए था, ठीक है, बीच में, जो आपका 2006 और 2007 है, ठीक है, आपका ईयर को डिनोट कर रहा है यहाँ पे। द टाइमिंग कुड नॉट हैव बीन वर्स फॉर द गवर्नमेंट, एक्सपायरी ऑफ अ 3 मंथ डेडलाइन टू कंटेस्ट अ सिमिलर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन केस लॉस्ट अगेंस्ट वोडाफोन दिस सेप्टेम्बर, ठीक है। टाइमिंग इससे ज्यादा खराब नहीं हो सकती, क्योंकि इसी वक्त जो है गवर्नमेंट ने ये भी डिसाइड किया कि गवर्नमेंट क्या करेगी, वोडाफोन के अगेंस्ट में फिर से एक अपील फाइल करेगी कि जो अपना ये डिसीजन है उसको फिर से रिव्यू किया जाए, ठीक है। तो अब ये भी हो गया, और अभी गवर्नमेंट ने फिर अपील फाइल कर दी, और फिर अब एक और नया जो है केस वो इंडिया के अगेंस्ट में चला गया। बट अनलाइक द टेलीकॉम केस वेयर द गवर्नमेंट वुड ओनली नीड टू फोक आउट अराउंड 80 करोड़ इफ इट वर टू कंसीड डिफीट, दिस वर्डिक्ट इंक्लूड्स अ शार्क $1.4 बिलियन, ठीक है। अब टेलीकॉम वाला केस जो था का मतलब वोडाफोन वाला जो केस था उसमें तो गवर्नमेंट को सिर्फ 80 करोड़ रुपीज देने थे, सिर्फ 80 करोड़ रुपीज, ठीक है, अगर उसको अपनी डिफीट कंसीड कर लेता वो, अगर सरकार जो है कह देती कि हाँ हम इसके डिसीजन को मान लेते हैं, हम पूरी देते हैं, ठीक है, तो सिर्फ 80 करोड़ रुपये देने पड़ते हैं। लेकिन इस वाले केस में, केन एनर्जी वाले केस में गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे $1.4 बिलियन, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। तो जब गवर्नमेंट 80 करोड़ रुपए नहीं मानी देने के लिए नहीं मानी, तो 1.4 तो कहाँ से मांगेगी, वो भी डॉलर्स में, $1.4 बिलियन, ठीक है। तो उम्मीद हमें पूरी पूरी यही है कि कुछ दिनों के बाद जो है इसके लिए भी एक इंडिया अपील फाइल जरूर कर देगा फिर से, ठीक है, ठीक है। द डैमेज अराइज फ्रॉम टैक्स अथॉरिटीज डिसीजन टू टेक बाय फोर्स एंड सब्सिक्वेंटली सेल ऑल द कंपनी शेयर, ये सब आपको पता है कि ये सब जो है इंडिया को लौटाना पड़ेगा गवर्नमेंट को, कंपनी के शेयर फिर से देने पड़ेंगे, जो जन भी फ्रीज कर रखे हैं सारी डिविडेंड उन सबको अनफ्रीज करना पड़ेगा, टैक्स रिफंड जो है देने पड़ेंगे, और कॉम्पनसेट भी करना पड़ेगा जो कि कंपनी को नुकसान हुआ है इस केस की वजह से, ठीक है, वो भी जो है कॉम्पनसेट करना पड़ेगा इंडियन गवर्नमेंट को। दिस आउटकम हैज रेपरकेशन नॉट इन द लीस्ट फॉर एन आर्बिट्रेशन प्ली फाइल्ड ओवर द सेम टैक्स डिमांड बाय केन पेरेंट फॉर्म वेदांता हुज वर्डिक्ट इज अवेटेड, ठीक है। तो वेदांता के साथ भी एक यही आपका केस है, ठीक है, पेरेंट फॉर्म जो आपकी केन एनर्जी की है, ठीक है। सेकेंड, परहैप्स द फिजिकल इम्प्लीकेशन ऑफ सच अ लार्ज पे आउट टू केन व्हेन द एक्सचेकर इज कैश ट्रैप्ड, ठीक है। तो आपके जो सेकेंड इसका रेपरकशन आपका ये हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट ने अपनी डिफीट को कंसीड कर लिया तो फिर $1.4 बिलियन इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट, ठीक है। और आपको पता है कि अभी इंडिया की हालत कैसी चल रही है, इंडियन इकोनॉमी की हालत कैसी है, ठीक है, अभी गवर्नमेंट के पास इन एक्सपेंडिचर करने के लिए है नहीं, ठीक है, और यही आपकी सारी प्रॉब्लम जो आपकी पैंडेमिक के वक्त और ज़्यादा बढ़ गई हैं, ठीक है। और मैं आपको बताया ना कि गवर्नमेंट जो है टू सिमिलर केसेस पर दो एक अलग अलग तरीके का स्टांस नहीं ले सकती, इंडिया को कहीं ना कहीं अपने स्टांस में यूनिफॉर्मिटी रखनी पड़ेगी, ठीक है, और उसकी शुरुआत अब हो चुकी है कि अगर वोडाफोन के अगेंस्ट में अगर फिर से इंडिया ने अपील फाइल कर दी तो कहीं ना कहीं केन वाले केस में भी इंडिया अब अपील फाइल करेगा ही करेगा, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैड रिपीटेडली असर्टेड दैट इंडिया रिटेन्स द सॉवरन राइट टू लिवाई टैक्सेस, ठीक है। तो
फाइनेंस मिनिस्टर का यही कहना है कि इंडिया के पास सॉवरेन राइट्स हैं कि वो टैक्सेस को लिवाई कर सकता है, टैक्सेस को जो है अप्लाई कर सकता है, डिमांड कर सकता है, ठीक है। और ये जो आपका प्रोविजन है, ये आपके किसी भी तरीके के बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट या इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट में इसको हम नहीं डालते, ठीक है, उस पर ये डिपेंड नहीं करता। इट इज अ सॉवरेन राइट। द फैक्ट इज दैट दिस गवर्नमेंट हैज असर्टेड फ्रॉम द आउटसेट इज नॉट इन फेवर ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव चेंजेस, ठीक है। और अगर हम बात करें तो जब यूपीए की हमारी गवर्नमेंट थी, यूपीए सेकेंड 2014 से थोड़ा सा पहले, ठीक है, तब ये जो आपका लॉ लाया गया था 2012 में, जो सुप्रीम कोर्ट ने इस वाली मांग को इनवैलिड बता दिया था ना वोडाफोन वाले केस में, तब ये आपका लाया गया था। उसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे प्रणब मुखर्जी जी, ठीक है, स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी जी, ठीक है, तो वो थे। तो उस वक्त सबका कहना था, बीजेपी उस वक्त अपोजिशन में थी, तो अरुण जेटली जी थे, उन्होंने भी इसको टैक्स टेररिज्म कहा था, ठीक है। तो अब जब एनडीए पावर में आई तो एनडीए को कहीं ना कहीं जो है कर सकती थी, एनडीए को खत्म कर सकती थी, लेकिन एनडीए ने ऐसा नहीं किया। मोदी जी की सरकार ने आने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं किया, ठीक है, वो भी जो है बिल्कुल बहाव में बहते चले गए। तो अब कहीं ना कहीं अगर इंडिया को एक अच्छी कैपिटल बनना है अपनी, एक मतलब फॉरेन कैपिटल इंडिया को अगर अच्छे खासे अमाउंट में चाहिए ताकि डेवलपमेंट हो, ताकि एफडीआई आए और फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो भरोसा है वो इंडिया में बढ़े, ठीक है, कॉन्फिडेंस बढ़े, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसी प्रैक्टिसेस से इंडिया को दूर रहना पड़ेगा, ठीक है। कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस इंडिया को अपनानी पड़ेंगी जो उनका भरोसा जीते, ठीक है, कहीं ना कहीं उनको इंसेंटिव देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इंसेंटिव देने की जगह उनसे मांग ही लोगे और कुछ तो नुकसान ही है फिर तो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसको एक रिलुक देने की जरूरत है, इसको रिकंसिडर जो है हमारे देश की एडमिनिस्ट्रेशन को जरूर करना चाहिए, ठीक है। तो सेकंड आपका आर्टिकल है द फार्मर्स प्रोटेस्ट ट्रूथ्स एंड हाफ ट्रूथ्स, ठीक है। तो आपका ये मेरे को अच्छा लगा ये आर्टिकल, ठीक है, आप इसको पढ़ें, हार्ड कॉपी से भी जरूर पढ़ें एक बार, ठीक है। द फार्मर्स प्रोटेस्ट दैट करेंटली रिंग फेंसेस दिल्ली स्टेजिस रेजोल्यूशन एज द एयर इज डेंस विद कॉन्ट्रारी सेट्स ऑफ ट्रूथ एंड हाफ ट्रूथ। आपको पता है कि अभी कोई सोल्यूशन अभी नहीं निकला है फार्मर्स एजिटेशन का, ठीक है, गवर्नमेंट और फार्मर यूनियन के बीच में लगातार बातचीत हो रही है, लेकिन अभी कोई सोल्यूशन जो है नहीं निकला है, ठीक है। इसी वजह से जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने भी अपना एक स्नैप बात रखी थी कि आप जो है कमेटी का गठन कीजिए, ठीक है, ताकि जल्दी से जल्दी एक सोल्यूशन निकाला जाए, ठीक है। दिस हैज मेड एक्टिविस्ट फार्मर सस्पिशियस ऑफ द रिएक्टिविस्ट स्टेट एंड द जनरल पब्लिक टू इज इक्वली डिवाइडेड, ठीक है। तो आपको पता है इस टॉपिक पे आपकी पब्लिक भी जो है इक्वली डिवाइडेड है, कोई आपके गवर्नमेंट की फेवर मिलेगी तो आपके कुछ लोग जो है आपके जो है फार्मर के फेवर मिलेंगे, ठीक है। ये आप सोशल मीडिया पर जाकर देखिए, सोशल मीडिया को दिख जाएगा ये डिवाइड, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग पोस्ट करेंगे कि आई स्टैंड विद फार्मर और कुछ लोग उस पर कमेंट करेंगे बिल के बारे में बताएंगे, वो मतलब मोस्टली जो है बेसिकली गवर्नमेंट को जो है सपोर्ट कर रहे हैं। देन प्रोटेस्टर्स ट्रूथ फार्मर्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा अलोन प्रोवाइड एज मच एज 45% ऑफ द मार्केटेबल सरप्लस ऑफ वीट एंड राइस बाय लेवरेजिंग एपीएमसी रेगुलेशंस एंड द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। तो पंजाब एंड हरियाणा के ये आपके जो फार्मर्स हैं, ठीक है, तो वीट और जो राइस वाला जो आपका कॉलम रहता है ना, जो मतलब ये वाले जो आपके ग्रेन्स हैं, ठीक है, उनमें 45% आपका आप कह सकते हैं पंजाब और हरियाणा से ही आता है, जितना भी आपका एपीएमसी में ट्रेड किया जाता है, ठीक है, एमएसपी में। द दिस प्रोविजंस वर पुट इन प्लेस मोर देन 50 इयर्स अगो टू अट्रैक्ट फार्मर्स टू पार्टिसिपेट इन द ग्रीन रेवोल्यूशन। आपको पता है कि आज से 50 साल पहले जब लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस वक्त जो है इंडिया में जो है फूड शॉर्टेज थी, ठीक है, खाने पीने की ग्रेन स्क्रीन सब की अनाज की कमी थी इंडिया में, ठीक है, जिसको लेके आपको पता है कि हमने अमेरिका से किया भी था कि अमेरिका से हमने ये ग्रेन हमने लिए थे, आपको याद होगा PL480 था आपका, ठीक है, इसके तहत जो है इंडिया ने अमेरिका से अनाज लिया था, ठीक है। उस वक्त शास्त्री जी ने सबसे ये भी कहा था कि आप जो है एक एक मील स्किप कीजिए ताकि सबके पास बराबर खाने का रहे, ठीक है। तो उस वक्त जो आपको पता है ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था, ठीक है, तो उस वक्त ये आपके प्रोविजन थे एमएसपी आपका उसी वक्त लाया गया था ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स आपके पार्टिसिपेट करें ग्रीन रेवोल्यूशन में, जिससे कि इंडिया जो है एग्रीकल्चर में सेल्फ रिलायंस जो है बनकर निकले, जैसा हुआ अभी, ठीक है। दैट दिस प्रोग्राम वर्क बेस्ट इन पंजाब एंड हरियाणा इज बिकॉज प्रोग्रेसिव फार्मर्स वर एट द पॉलिटिकल हेम इन दिस स्टेट, ठीक है। और ये आपका पंजाब एंड हरियाणा बेस्ट इस वजह से वर्क किया क्योंकि यहाँ पर आपके जो फार्मर्स थे वो पॉलिटिकल हेम में थे, ठीक है। जो आपके महेंद्र सिंह टिकैत थे वो तो बात की बात होगी, लेकिन चरण सिंह आपके यहीं से हो गए, ठीक है, उनकी पावर्स वो आपके पता है पॉलिटिकल भी थे, आपके पॉलिटिशियन भी थे, ठीक। एज अ रिजल्ट द एमएसपी बिकेम आइडेंटिफाइड विद वीट एंड राइस द टू मेन क्रॉप्स ऑफ पंजाब हरियाणा, ठीक है, जिसकी वजह से आपके जो वीट एंड राइस है वो एमएसपी से बहुत ज्यादा आइडेंटिफाइड हो गए, ठीक है। वीट एंड राइस के सबसे ज्यादा एमएसपी आजकल दिया जाता है। अदर क्रॉप्स डिड नॉट गेट मच प्रोमिनेंस एट एपीएमसी एंड
इट्स अटेंडेंट एमएसपी डिड नॉट रिसीव परमानेंट सपोर्ट आउटसाइड नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ठीक है, और फिर हम बात करते हैं आरटीएस की, जो आपको पता है अभी आपके बिल हैं जो, ठीक है, उसमें आपको आरटीएस हटाने की बात की गई है कि आरटीएस जो कि मिडिल मैन उनका रोल कम कर देंगे, ठीक है, क्योंकि वो माल पैकेज में इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स की बात करें ना, तो वो लोग जो है इन मिडिल मैन को अपने विलन के तौर पर नहीं देखते। ठीक है, वो विलन के तौर पर नहीं देखते पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स, ऐसा कहना है इस आर्टिकल के राइटर का। ठीक है, वो उनको कैसे देखते हैं, उनको देखते हैं लाइफ लाइन लिंक्स के जैसे उनको देखते हैं। बिसाइड हेल्पिंग इन द वेगिंग ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग ऑफ ग्रेन, मोस्ट ऑफ देम आर ऑल्सो फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड एजेंट, मनी लैंडर्स एंड जनरल नॉलेज प्रोवाइडर्स। मैनी आर्थियस टूडे आर जट जट सिक्स एंड आर सब्सटेंशियल फार्मर्स टू। ठीक है, तो यही उन्होंने बताया कि जो आपके आर्थियस हैं उनको विलेन के तौर पर नहीं देखा जाता, वो आपके फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड एजेंट्स भी हैं, मनी लैंडर्स भी हैं। तो मतलब देख लीजिए कितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट पोजिशन है आर्थियस की, कि वो फाइनेंशियली कितने स्ट्रॉन्ग है, कितने बिजनेस उनके आप देख लीजिए, वो फार्मर्स भी हैं, वो फार्मिंग भी करते हैं, ठीक है, फिर वो मिडिल मैन भी हैं, फिर फर्टिलाइजर में भी डील करते हैं, वो मनी लेंडर भी हैं। ठीक है, तो यार इतना सब कुछ जो है वो अब एथिकल प्रैक्टिस से तो शायद नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि एक आर्थिया की कितनी आप इनकम देख लेंगे कि वो इतना कुछ कर ले, तो कहीं ना कहीं वो माल प्रैक्टिस में मेरे अकॉर्डिंग तो इन्वॉल्व रहेगा ही रहेगा। ठीक है, रहता ही है, आजकल सबके लिए कमर्शियल और मॉनिटरी गेन सब कुछ हो चुके हैं, सबसे ऊपर वही है। एपीएमसी मंडी स्टार्ट ट्रांजेक्शन फी और सेल्स विद स्टेट पॉकेट्स, दैट प्रोसीड्स ऑफ दिस मनी आर यूज प्राइमरली टू मेक बेटर रोड्स एंड स्टोरेज फैसिलिटीज। ठीक है, आपको पता है कि एपीएमसी मंडीज में आपको ट्रांजेक्शन फी एक निकाली जाती है, ठीक है, स्टेट जो वहाँ से आपका टैक्स लेता है, उस टैक्स का इस्तेमाल फिर जो है आपकी एपीएमसी फैसिलिटीज को बेटर करने के लिए किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, लेकिन एक ये डर भी आपका था कि जो आपके बिल अभी पास किए गए हैं कि अगर एपीएमसी में आप नहीं बेचेंगे, आप हमें अलाउ कर रहे हैं कि आप बाहर जाके बेच लीजिए, ठीक है, तो एपीएमसी में जब ट्रांजेक्शन ही नहीं होगी, जब वहाँ पर ट्रेडिंग ही नहीं होगी, तो एपीएमसी को सरकार क्यों रखेगी? ठीक है, एपीएमसी क्यों अपने आप को वहाँ पर एग्जिस्टेंस में रखेगी? क्योंकि क्योंकि अगर ट्रांजेक्शन ही नहीं हो रही, तो आपको पता है कि वो जो टैक्स है वो तो रहेगा ही रहेगा, वो टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा चाहे वहाँ पर ट्रेडिंग हो चाहे ना हो। ठीक है, तो फिर क्यों जो है एपीएमसी को रखा जाएगा जब कोई इसका बेनिफिट ही नहीं होगा तो? ठीक है, तो एक यही दिक्कत, ये एक ये आपकी कंसर्न जो है उठाई गई थी कि एपीएमसी हटने के बाद हमसे जो एमएसपी है वो छीन लिया जाएगा। देन आते कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में फार्मर्स का दो प्रॉब्लम है। ठीक है, स्मॉल फार्मर्स कंप्लेन दैट बिग कॉन्ट्रैक्टर्स इजली रिनेज ऑन देयर कमिटमेंट। ठीक है, फार्मर्स का ये कहना है कि जो बड़ी आपकी कॉर्पोरेट जो कि बड़ी कंपनीज हैं, वो बेशक वो कॉन्ट्रैक्ट कर लें, लेकिन हार्वेस्ट के बाद जो है अपनी बात से वो मुकर जाते हैं। ठीक है, या तो वो प्रोड्यूस को खरीदने से ही मना कर देते हैं, और अगर खरीदते हैं तो फिर उस प्राइस पर नहीं खरीदते जिससे हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। ठीक है, तो इसको एक लीगल बैकिंग जो है, बेशक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है लेकिन इसकी कोई लीगल बैकिंग हमारे पास नहीं है। सेकेंड, इफ दे गिव देयर लैंड टू देम देन देन मे नॉट गेट बैक फॉर नो कॉन्ट्रैक्टेबल इन्वेस्ट इन लैंड इफ कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर योर। ठीक है, अगर 1 साल कॉन्ट्रैक्ट उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, कोई कॉन्ट्रैक्टर जो है उसमें इन्वेस्ट नहीं करेगा, तो एक ये प्रॉब्लम भी जो आपकी बताई गई है। ठीक है, दो हो गए आपके। अब गवर्नमेंट से उसकी बात करते हैं कि सरकार का क्या क्या खर्च है। ठीक है, द मिनिमम सपोर्ट प्राइस हैज नेवर बीन अ लो ओनली अ पॉलिसी, देयरफॉर डिमांड इज टू बी मेड अ लो नाउ इज अनफेयर। ठीक है, आपको पता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमेशा से एक लो कभी नहीं था। ठीक है, वो एक पॉलिसी थी सिर्फ। ठीक है, आप उसकी कोई लीगल बैकिंग उसको दी नहीं गई, ऐसा कभी कोई कानून बना नहीं कि अगर आप एमएसपी नहीं देंगे तो आपको जेल हो जाएगी, आपको ऐसा कुछ रहेगा, आपको पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, ना ही कोई लेजिस्लेटिव बैकिंग इसको दी गई। ठीक है, तो हमेशा से एक पॉलिसी थी, लेकिन अगर आप अभी इसको कहेंगे कि आप जो है इसको एक लीगल बैकिंग दो, इसको लो बनाओ, तो वो कहीं ना कहीं फ्री मार्केट के एक अगेंस्ट में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फिर रेगुलेशन तो गवर्नमेंट कर रही है ना प्राइजेस का भी, तो ऐसा नहीं कर सकते कहीं ना कहीं मार्केट थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का, तो उसके मिडल फिर खत्म ही हो जाएगा। लाइक एवरीथिंग एल्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस शुड, हाँ देखिए वही बात है आपको बताया ना इस आर्टिकल में, देखिए वही बात है, मार्केट प्राइस फ्लक्चुएशन पे कहीं ना कहीं, जैसे अगर बाकी चीज़ों का ऐसे ही होता है ट्रेडिंग, उसकी प्राइस डिटर्मिनेशन अगर ऐसे ही होती है, अगर करेंसी की भी प्राइस डिटर्मिनेशन अगर इसी बेसिस पे हो रही है, ठीक है, तो फिर यार एग्रीकल्चर का भी ऐसे होना चाहिए ना, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का भी ऐसा नहीं चाहिए। अगर करेंसी, आपको पता है करेंसी की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है, लेकिन उसकी वैल्यू भी डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेज पर डिपेंड करती है। ठीक है, देर विल बी गुड ईयर्स एंड बैड ईयर्स एंड दिस इज हाउ एग्रीकल्चर मार्केट फंक्शन। ठीक है, अच्छे अच्छे साल भी होंगे, बुरे साल भी होंगे। ठीक है, और ऐसे ही जो आपका एक मार्केट जो है वर्क करती है। ठीक है, कोई भी काम हमेशा अच्छा नहीं चलता, हमेशा किसी ना किसी बिजनेस में, किसी ना किसी काम में कुछ बुरे साल भी आते ही आते हैं। एज देर इज नो फूड शॉर्टेज टूडे, द प्रोविजन ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन शुड नो लॉन्गर बी बाइंडिंग। ठीक है, आपको पता है कि ये सारे प्रोविजन आपके ग्रीन
ग्रीन रेवोल्यूशन के वक्त लाए गए थे, क्योंकि उसको क्या थी, फूड शॉर्टेज थी। लेकिन अब जो है, अब स्थितियाँ जो है वो अलग है, अब स्थिति आपकी पहले की तरह नहीं है, तो कहीं ना कहीं अभी जो प्रोविजन है ये बाइंडिंग नहीं रहने चाहिए। देन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग विल हेल्प द मास ऑफ स्मॉल फार्मर्स बाय फ्रीइंग देम फ्रॉम देयर टाइनी प्लॉट्स। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जब हो जाएगी तो कहीं ना कहीं जो आपके छोटे फार्मर्स हैं तो वो कहीं ना कहीं उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उनके जो वो अपने उस प्लॉट पे जो जुड़े रहेंगे, जिससे उनको फायदा भी नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं उससे वो थोड़ा बहुत फायदा करेंगे उसको किराए पे देके या कॉन्ट्रैक्ट के साथ करके। ठीक है, और बाहर जाके अपने दूसरी जॉब जो है वो ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो इससे उनको डबल फायदा हो जाएगा। लेकिन आपको मैंने बताया था ना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आपकी अभी दो प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो उसको हम आगे जाके कर एड्रेस करेंगे एक बार। ठीक है, वो आपके गवर्नमेंट के फिर हाफ ट्रूथ में आ जाएगा। फार्मर्स गेट ह्यूज सब्सिडीज फ्रॉम द स्टेट टू द ट्यून ऑफ 2% टू 2.5% ऑफ जीडीपी। ठीक है, इंडिया में आपको पता है कि जीडीपी आपके इंडिया की जो है उसमें से 2 to 2.5% आपका जो है वो आपके फार्मर की सब्सिडी में चला जाता है। ठीक है, दिस इज मच हायर देन सब्सिडीज फार्मर्स रिसीव इन यूएस, यूरोपियन यूनियन एंड लेटिन अमेरिका और जापान। ठीक है, लेकिन आपको पता, लेकिन अमेरिका, जापान, यू और लेटिन अमेरिका में आपको जो आपके वहाँ के जो किसान है इससे भी कम सब्सिडी उनको मिलती है। टोटल सब्सिडी इन इंडिया इज इन द रेंज ऑफ 45 to 50 बिलियन डॉलर। ठीक है, इंडिया में आपकी 45 से 50 बिलियन डॉलर की सब्सिडी दी जाती है, तो वहीं आपकी यूएस में 20, ईयू में 39 और जापान में 46 बिलियन डॉलर। ठीक है, तो ये स्टैटिस्टिक्स आप अगर अपने आंसर में लिखेंगे तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अच्छे मार्क्स मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। हाफ ट्रूथ्स ऑफ प्रोटेस्टर्स, अब प्रोटेस्टर्स के आधे सचों की बात करें तो क्या है। ठीक है, वही एमएसपी वाली बात है कि एमएसपी कभी भी एक कानून नहीं था, वो हमेशा से एक पॉलिसी थी। तो कहीं ना कहीं उसको आप अगर कानून बनाने की बात करते हैं तो वो बात अच्छी नहीं है, वो बात बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, और जो आपकी सेकेंड हाफ ट्रूथ है उसकी बात हम करें तो इंटरनेशनल प्राइस जब भी आपके डोमेस्टिक प्राइसेस से हाई रहते हैं, ठीक है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जब आपके जो आपके दाम है, जो आपके प्राइसेस हैं, अगर वो हाई रहते हैं तो सबसे ज्यादा बाहर अगर सेलिंग करें तो उस पर सबसे ज्यादा जो है प्रोटेस्ट किया जाता है वो इन्हीं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और ऑनियन और शुगर इस बात की रिसेंट एग्जाम्पल है। अब गवर्नमेंट के आदेशों की बात करें तो ठीक है, जैसे अगर फार्मर्स के आधे सच है, प्रोटेस्टर्स के अगर आधे सच है, तो गवर्नमेंट के भी जो है आधे सच होंगे ही होंगे, तो उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बताया था ना कि सरकार का कहना है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जो फार्मर जो है वो फ्री हो जाएगा। ठीक है, उसका डबल फायदा हो जाएगा, वो बाहर जाके जो अपने लिए काम भी ढूंढ सकता है फिर। लेकिन ये मैं आपको बताया ना अभी थोड़ी देर पहले कि दो मुश्किलें थी, क्या क्या नहीं थी, कि एक तो जो आपके जो आपकी बड़ी कंपनीज हैं वो अपनी बात से मुकर जाते हैं। ठीक है, वो अपनी जो है प्रोड्यूस को खरीदते नहीं है, खरीदते हैं तो फिर वो उस प्राइस पर नहीं खरीदते जो कि कॉन्ट्रैक्ट में था। ठीक है, और लीगल बैकिंग इसको है नहीं। सेकंड प्रॉब्लम आपको बताई गई थी कि जो जमीन है उस पर कोई इन्वेस्टमेंट इतनी की नहीं जाती। ठीक है, और सेकंड फिर आपका हुआ एपीएमसी वाला, कि एपीएमसी मार्केट में जो है इतने किसान जाते नहीं बेचने के लिए। क्यों नहीं जाते, क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश में 85% स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं। ठीक है, वो इतना उनके पास इतना प्रोड्यूस हो रहता नहीं है कि वो ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा करने के बाद एपीएमसी मार्केट में जाए और वहां पर जाकर अपनी फसल को बेचे। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं अपना इनफॉर्मली अपने अपने सर्कल में जो है उसको बेचना पसंद करते हैं, अपने गाँव में उसको ऐसे नॉर्मली बेचना पसंद करते हैं। इट इज ट्रू दैट द फार्म सब्सिडी इन इंडिया कैन बी एज हाई एज 50 बिलियन डॉलर। ठीक है, ठीक है, तो पहले एक बार एपीएमसी की फिर से बात करते हैं, जो मैं बताया थोड़ी देर पहले, इसकी फिर से बात करते हैं। क्यों, ये रीजन क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि एपीएमसी मार्केट हमारे देश में इतनी ज्यादा बड़े अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, एक गाँव की अगर आप देखेंगे तो 3-4 गाँव की एक बना देते हैं किसी बीस बीस वाली जगह पे। ठीक है, तो बहुत दूर तक का सफर जो है वो ट्रेवल करना पड़ता है, और ऊपर से फिर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जो है वो भी आ जाती है। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट पे। ठीक है, तो सब्सिडी की बात करें, सब्सिडी बेचे की नियम 50 बिलियन डॉलर दी जाती है। ठीक है, लेकिन अगर हम पर फार्म में बात करें, पर हेड अगर बात करें, तो फिर वो घट के आपकी हो जाती है 48 डॉलर ओनली। मतलब एक किसान को सिर्फ 48 डॉलर जो है सब्सिडी दी जाती है। और वहीं अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में फिर एक किसान को $7,000 दिए जाते हैं। ठीक है, तो बेशक टोटल अमाउंट में इंडिया आगे हो, लेकिन अगर हम पर हेड बात करें, पर कैपिटल अगर हम बात करें, तो एक फार्मर को 48 बिलियन डॉलर इन इंडिया और अमेरिका में बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट आपका 7,000 बिलियन डॉलर, 7,000 डॉलर सॉरी। ठीक है, और फिर अगर आगे बात करें तो आपके अमेरिका में सिर्फ 2% जो फार्मर्स हैं आपके वो आपके बिलो पॉवर्टी लाइन है, और इंडिया में आपको पता है 85% जो हमारे फार्मर्स हैं वो आपके स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो गैप है ये भी बहुत बड़ा है।
इट इज ट्रू दैट द फार्मर्स इन पंजाब एंड हरियाणा हैव क्रिएटेड एन इकोलॉजिकल क्राइसिस ऑफ मैग्नम प्रोपोर्शंस एडेड एंड अबेटेड बाय एपीएमसी एंड द एमएसपी। ठीक है, तो अब पंजाब के और हरियाणा के फार्मर्स ने इकोलॉजिकल क्राइसिस कैसे किया, क्योंकि वो लोग जो है सिर्फ दो क्रॉप पे ध्यान देते हैं, वो आपके राइस और पैडी। तो पैडी आपको पता है कि पैडी इज अ थ्रस्टी क्रॉप, ठीक है, उसको पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता है, उसको पानी पानी दो। और ये स्टेट आपको पता है ऐसे हैं जहाँ पर इतनी बारिश होती नहीं है, ठीक है, एक बस नॉर्मल अमाउंट में यहाँ पर बारिश हो जाती है। ठीक है, तो यही एक बात है। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से आपको पता है ट्यूबवेल एक्सेट्रा का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है, और ग्राउंड वाटर इसकी वजह से जो आपका ग्राउंड वाटर टेबल है ग्राउंड वाटर का वो बहुत भारी मात्रा में डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, वट इज कंसील्ड इज दैट द प्रपोजल फॉर डाइवर्सिफिकेशन हैज बीन डिस्कस फ्रॉम द टाइम प्रोफेसर एस एस जॉल रिकमेंडेड इट एज अर्ली एज इन द इन इज 1986 रिपोर्ट। ठीक है, तो 1986 में आपकी रिपोर्ट आई थी, उसमें इस बात को कहा गया था कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन किसी गवर्नमेंट ने इतना कुछ किया नहीं। अभी अगर मैं बात करूँ तो रिसेंटली मैंने सुना था शायद 6-7 महीने पहले कि हरियाणा की गवर्नमेंट जो है एक प्रपोजल लेकर आई थी ऐसा कि वो ऐसा कोई एक्ट बनाएंगे जिसमें वो फार्मर्स को इंसेंटिव देंगे अगर वो लोग क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करेंगे तो। ठीक है, अगर वो लोग पैडी से हटके किसी और क्रॉप की तरफ अगर ध्यान देंगे तो उनको जो है पैसे दिए जाएंगे इस बात पे पर एकड़ के बेसिस पे। ठीक है, तो ये हरियाणा की गवर्नमेंट जो है लेकर आई थी। सेकंड, अब आपका लास्ट आर्टिकल है प्रोवोकेशन ट्रैप। ठीक है, तो पहले को इस आर्टिकल का अगर हम कंक्लूजन कर लेते हैं एक बार, जो मैंने आपको बताया ना ये वाला फार्मर्स वाला, तो इसमें आपको पता है कि इतने ज्यादा ग्राउंड अगर हैं, इतने ज्यादा हाफ ट्रूथ और ट्रूथ अगर दोनों ही तरफ से हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, तो एक मिडिल ग्राउंड पाने में, एक कंसेंसस बिल्ड करने में बहुत मुश्किल जो है अब हो जाएगी। ठीक है, तो लेकिन बातचीत से सब कुछ किया जा सकता है, फिर से कह रहा हूँ बातचीत से हमेशा सब कुछ किया जा सकता है, तो आप उसको कीजिए। ठीक है, सब कुछ हो जाएगा, टाइम लगेगा लेकिन हो जरूर जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब आपका प्रोवोकेशन ट्रैप। द रॉकेट अटैक्स ऑन यूएस एम्बेसी इन बगदाद ऑन संडे विच अमेरिकन मिलिट्री लीडर्स कॉल्ड द लार्जेस्ट अटैक ऑन द हाईली फोर्टिफाइड ग्रीन जोन इन अ डेकेड हैव सेंट टेंशन इन द रीजन सॉरी। ठीक है, अभी आपका बगदाद बगदाद में आपकी जो यूएस एम्बेसी है वहां पर रॉकेट अटैक्स किए गए हैं। ठीक है, तो इस वजह से फिर से किसको बताया गया है क्रिमिनल, किसको बताया गया, किस पर दोष लगाया गया है, दोष लगाया गया आपका ईरान के ऊपर अमेरिकन गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, उन्होंने कहा है कि ईरान ने जो है रॉकेट सप्लाई किए। द ऑफेंसिव अपीयर्स टू हैव बीन काउंटर्ड बाय द यूएस रेडार गाइडेड डिफेंस सिस्टम। ठीक है, बेसिकली लेकिन आपको जो मिसाइल है उसको यूएस के डिफेंस सिस्टम ने काउंटर कर दिया। ठीक है, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट ने साफ साफ कह दिया है कि वो ईरान को ही रिस्पॉन्सिबल मानेंगे, अगर एक भी अमेरिकन की मृत्यु हुई, एक भी अमेरिकन की अगर जान गई तो वो ईरान को ही जो है रिस्पॉन्सिबल मानेंगे, उसको ही दोषी मानेंगे। द अटैक कम्स एट अ वोलेटाइल टाइम फॉर ईरान ईरान अमेरिकन रिलेशन विच हैव कोलैप्स्ड आफ्टर मिस्टर ट्रंप टू द यूएस आउट ऑफ ईरान न्यूक्लियर डील। तो आपको पता है 2018 में जो आपके प्रेसिडेंट हैं मिस्टर ट्रंप, उन्होंने अमेरिका को यूनिलेटरली जो आपकी ईरान न्यूक्लियर डील है उससे बाहर ले लिया था, जिसके बाद ईरान और अमेरिका के रिलेशन बहुत नीचे चले गए थे। ठीक है, और सैंक्शन भी लगा दिए गए थे ईरान के ऊपर, जिसकी वजह से ईरान की जो इकोनॉमी है वो भी ठप हो गई थी। ठीक है, और अभी भी है वो। ठीक है, और इस डील के बारे में, ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में, ठीक है, जेसीपीओए जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो आपका है, ठीक है, उसको लेकर एक अलग वीडियो हमारे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, आप जाकर उसको देख सकते हैं, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है इस टॉपिक पर और अच्छी तरीके से एनहेंस हो जाएगी। देन ही हैज रिपोर्टेडली सॉट ऑप्शंस टू लॉन्च स्ट्राइक्स ऑन ईरान इमीडिएटली आफ्टर हिज इलेक्शन डिफीट। ठीक है, अभी आपको पता है कि जो बाइडेन जो है प्रेजिडेंट बनकर आने वाले हैं, और डोनाल्ड ट्रंप की जो है हार हो चुकी है, बस अभी फॉर्मेलिटीज होना बाकी है कि ट्रांजिशन हो जाए पावर का। ठीक है, तो उसके बाद इलेक्शन के बाद इलेक्शन जो रिजल्ट आया उसके बाद जो है मिस्टर ट्रंप ने अपने अपने कैबिनेट में बातचीत की, जिसमें उन्होंने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने के लिए पूछा कि क्या क्या ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है जिससे भी हम ईरान पर जो है स्ट्राइक कर सकते हैं, ईरान पर हम लोग जो हमला जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको पता है कैबिनेट को लेकर इस बात में मना कर दिया। ठीक है, विद दिस एग्जिट फ्रॉम द व्हाइट हाउस द एंड जो बाइडन द नेक्स्ट प्रेसिडेंट का प्रॉमिसिंग टू रिवाइव द न्यूक्लियर डील। आपको पता है जो बाइडन ने कहा कि क्या कहा है कि वो जो है कोशिश करेंगे ईरान को फिर से टेबल पर लाने के लिए, ईरान से बातचीत करने के लिए कि फिर से जो है ईरान को ये न्यूक्लियर डील है इसको रिवाइव किया जाए। ठीक है, लेकिन अगर ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, अगर ऐसी ऐसे ये कॉन्फ्लिक्ट आपके होते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो आपकी रिवाइवल जो जो प्लान है ना,
ये कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा, इसका कोई फायदा रहेगा नहीं। ठीक है, व्हेन द यूएस किल्ड टॉप ईरानियन जनरल कासिम सोलेमानी इन जनवरी दिस ईयर। ठीक है, आपको पता है कि इस साल की स्टार्टिंग में जनवरी में जो आपके यूएस फोर्सेस हैं उन्होंने एक ड्रोन अटैक में ईरान के सुप्रीम जनरल कासिम सोलेमानी को मार दिया था। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ था, दोनों के बीच में टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी पूरे देश में, पूरी दुनिया में ऐसा हो गया था कि जो वर्ल्ड वॉर आती वो स्टार्ट हो जाएगी कहीं ना कहीं, जो अब जो है बहुत ज्यादा वाइड स्केल पे मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन हमें देखने को मिलेगा। ठीक, लेकिन अमेरिका का कहना था, अमेरिका का ये कहना था कि इस ड्रोन स्ट्राइक से हमारी जो अमेरिका है, मतलब अमेरिका की डिटरेंस जो है फिर से री एस्टेब्लिश हो गई है वेस्ट एशिया में। ठीक है, बट ईरान हैड लॉन्च रिटेलिएटरी मिसाइल अटैक। लेकिन ईरान ने क्या किया, ईरान ने ऐसा कुछ नहीं माना कि भाई डिटरेंस विटरेंस हम नहीं मानते। ठीक है, ईरान ने क्या किया, ईरान ने भाई रिटेलिएशन कर दिया और यूएस के मिलिट्री कैंप से हमला करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद एम्बेसी पे आपको पता है कि हमले हुए हैं कई बार। द यूएस हैड अर्लियर डाउनसाइज एम्बेसी स्टाफ, क्लोज द कॉन्सुलेट इन बसरा एंड डिसाइडेड टू रिड्यूस ट्रूप्स इन इराक। ठीक है, तो फिर अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने अपने जो पर्सनल जो एम्बेसी में उनको उनमें जो नंबर है वो कम किया, अपने बसरा में कॉन्सुलेट को बंद किया और जो आपके ट्रूप्स हैं इराक में उनको भी कम कर दिया। ठीक है, इफ यूएस ईरान रिलेशन आर नाउ एट एन एक्सप्लोसिव स्टेज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद मिस्टर ट्रम्प। ठीक है, लेकिन हाँ ये बात भाई सबको माननी पड़ेगी और सब मानते भी होंगे कि अगर अमेरिका की और ईरान की रिलेशन अगर आज इतने नीचे है ना, इतने ज्यादा खराब है, तो कहीं ना कहीं उसके जो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मिस्टर ट्रम्प की है। ठीक है, बराक ओबामा जब गए तो कट जाने से पहले वो न्यूक्लियर डील को लगभग फाइनलाइज करके जा चुके थे। ठीक है, लगभग साइन भी हो चुकी थी, 2015 में ही जो है साइनिंग हो गई थी, लेकिन मिस्टर ट्रम्प ने आने के बाद सब कुछ जो है बदल दिया एकदम से। ठीक है, और सैंक्शन लगा दी इतने ज्यादा, अमेरिका को पुल आउट कर लिया, तो कहीं ना कहीं इसका पूरा पूरा जो जाता है, जो इसके रिस्पॉन्सिबल है वो मिस्टर ट्रम्प ही है। ठीक है, और आपको पता है कि ईरान तो पूरा कॉम्प्लायंट भी था, ईरान तो सारी अपने जो ऑब्लिगेशन को फुलफिल किया था, जितने भी डील में ऑब्लिगेशन थे सबको फुलफिल किया था, लेकिन फिर भी जो है ऐसा किया गया। और लेकिन उसके बाद सिर्फ एम्बेसी पर हमला नहीं, ईरान ने क्या किया, ईरान ने बहुत सारे जो आपकी ऑयल फैसिलिटीज हैं गल्फ में या फिर ऑयल टैंकर्स उन पर भी हमला किया था। ठीक है, ऑपरेशन संकल्प फिर इंडिया ने लॉन्च किया था, आपको याद होगा। ठीक है, ऑपरेशन संकल्प जिसमें कि आपके ये आपके वेसल्स उनको प्रोटेक्शन दी जा रही थी। ठीक है, कब सर्च करना आपको मिलेगा पक्का। ठीक है, आपके ये फिलिम्स के लिए हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि अभी बहुत सारे ऑपरेशन चलाए गए ना, ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन समुद्र सेतु, ऑपरेशन सागर। ठीक है, तो ऐसे आपको जो है कंफ्यूज करने की कोशिश जो है यूपीएससी डेफिनेटली करेगा। ईरान इज अंडर प्रेशर टू काउंटर द रिपीटेड अटेम्प्ट बाई द यूएस एंड इट्स अलाइज टू स्किटल इट्स इन्फ्लुएंस। ठीक है, आपको पता है कि ईरान जो है, ईरान के जो दुश्मन है अब वो एक नहीं है, ईरान के तो बहुत ज्यादा हो चुके हैं। इसराइल भी जो है लगातार ईरान को जो है दबाने की कोशिश करता रहता है, सऊदी अरेबिया भी है। ठीक है, और आपको पता है कुछ दिनों पहले मोहसिन फखरीजाद जो इनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे ईरान के, उनके भी असासिनेशन जो है कर दिया गया गोली मारने के बाद। ठीक है, तो उसमें इसराइल का इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है, और आपका जो कासिम सोलेमनी की जो असासिनेशन किया गया था ना, उनको मारा गया था ड्रोन स्ट्राइक से, तो उसमें भी ऐसा बताया गया था कि जो आपकी इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाड, उन्होंने जो है अमेरिका को इंटेल प्रोवाइड किया था इस बारे में। तो कहीं ना कहीं ऐसा इस आर्टिकल के राइटर का कहना है कि ईरान को जो है इस प्रोवोकेशन के ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए, उसको जो है शांति से काम लेना चाहिए, विजडम दिखाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर जो बाइडन आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो है ये डिप्लोमेसी और जो रिलेशन है सुधरने के वो पूरे पूरे आसार हैं। ठीक है, अगर आप अभी कुछ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं धकेल देंगे अमेरिका के साथ अपने आप को, तो जो बाइडन आने के बाद कहीं ना कहीं ऐसी सबको उम्मीद है कि एक सॉफ्ट जो है रूट अपनाएंगे, और कहीं ना कहीं जो है ईरान पे से सैंक्शन हटाने की पूरी पूरी उम्मीद है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका है नेपाल हाउस रिसोल्यूशन एंड इंटरनल इश्यूज। तो आपका जो हमारी MEA है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है, उन्होंने ऐसा कहा है कि नेपाल में डेवलपमेंट हुई, हमने उसको पूरा पूरा ध्यान दिया, लेकिन ये जो है ये ईरान का नहीं, सॉरी नेपाल का जो है इंटरनल मैटर है। ठीक है, तो हम इस पर बिल्कुल दखलंदाजी नहीं करना चाहते, हम एक नेबर हैं ईरान के, और एक सॉरी यार ईरान निकल रहा है, इतना ईरान ईरान बोलते हैं ना भी थोड़ी देर पहले, सॉरी। ठीक है, तो हम नेपाल के इंटरनल मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, डिस्टर्बेंस उनको नहीं करना चाहते, इंटरफेयर हम नहीं करना चाहते। ठीक है, तो हम उसके नेबर हैं, उसके वेलविशर हैं, और हम हमेशा जो है नेपाल को सपोर्ट करते रहेंगे। ठीक है, ऐसा कोई हमारे बारे में नहीं बोलता यार, हमारे हमारे को डेवलपमेंट हो जाए, हम कुछ भी कर दें तो सारे देश जो है बढ़ चढ़ के बोलेंगे उस बारे में, जब कोई नहीं सोचता, सबको ही सुनना चाहिए यार, क्योंकि इंडिया तो ओपनली किसी के
मैटर्स में नहीं इंटरफेयर करता, ये दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल जो है सेट हो रहा है धीरे धीरे, और सबको इस बात को मानना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका शी जिनपिंग टाइटन्स ग्रिप ऑन चाइना। शी जिनपिंग एक ऐसा इंसान जिसके बारे में बिल्कुल बात नहीं होता लेकिन करना पड़ेगा। ठीक है, अ ईयर दैट बिगिन इन चाइना विद द कंट्रीज लीडरशिप फेसिंग सर्चिंग क्वेश्चंस अबाउट इट्स हैंडलिंग ऑफ अ न्यू पैंडेमिक। आपको पता है कि ये साल स्टार्ट कैसे हुआ था? ठीक है, जब पूरा वर्ल्ड ऑलमोस्ट एंटी चाइना हो गया था। ठीक है, और कुछ देशों को छोड़ के, टर्की और पाकिस्तान को मत काउंट करना, वो तो बहुत ज़्यादा अच्छे चमचे हैं चाइना के। ठीक है, तो ऑलमोस्ट पूरा वर्ल्ड जो है चाइना के अगेंस्ट में हो गया था, क्योंकि उन्होंने जो हैंडलिंग की थी ना कोरोना वायरस की, वो बहुत ही ज़्यादा एक ओपेक मैनर में की थी, किसी को पता ही नहीं है। ठीक है, WHO ने भी पता नहीं क्या किया था, WHO ने भी बिल्कुल चाइना की बातचीत में वो आ चुका था, चाइना के इन्फ्लुएंस में। WHO का ट्वीट भी था कि जो कोरोना वायरस है ना, उसका जो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है वो नहीं होता, और आज वो आज वही हो रहा है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ही हो रहा है। तो इतनी ज़्यादा लापरवाही WHO से तो नहीं उम्मीद कर सकते थे हम। ठीक है, और कहीं ना कहीं हमें पता है कि जो WHO के चीफ है उनका उनके ऊपर इन्फ्लुएंस है चाइना का बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो खैर नहीं दे, तो आपको पता है साल वही से स्टार्ट हुआ था जब चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्विजिशन लगाए गए थे, बहुत ज़्यादा उसके क्रिटिसिज्म जो है किया गया था। ठीक है, तो इफ 2020 स्टार्टेड एज चाइनास एनएस हॉर्बिलिस द ईयर हैज इन द आईज ऑफ मेनी स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स इन बीजिंग ओनली हैज टर्न चाइनास असेंडेंसी एंड नैरोड द गैप बिटवीन द US एंड चाइना। ठीक है, तो लेकिन आपके जो जो आपके चाइना में एक्सपर्ट्स, हम का ये मानना है कि जो अमेरिका के बीच में और चाइना के बीच में जो गैप था ना, वो अब जो है बहुत कम हो चुका है, और चाइना कहीं ना कहीं अब अमेरिका के बिल्कुल इक्वल में आ चुका है डोमिनेंस के मामले में। तो अब आपको पता है कि बीजिंग में, मतलब चाइना में आपकी इकोनॉमिक रिकवरी भी जो है काफी अच्छे ढंग से हुई। तो उसका जो फर्स्ट क्वार्टर है वहाँ पर हमें जो कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला, लेकिन उसके बाद भी जितने भी हमारे क्वार्टर आए, ठीक है, उनमें हमें जो है पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिली है। और अगर हम यहीं पर US की बात करें, तो US में आपको पता है कि डिवीजन वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर आपको पता है कि जॉर्ज फ्लॉयड की डेथ के बाद वहाँ पर कितने ज़्यादा हमें राइट देखने को मिले, और आपकी इलेक्शन वहाँ पर हुई, इलेक्शन में हमें इलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा हमें डिस्प्यूट देखने को मिले कि डोनाल्ड ट्रंप ने मनाही कर दिया कि मैं जो है इस डिफीट को कंसीड नहीं करूँगा। देन आपका पैंडेमिक ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है तहलका मचा रखा है। ठीक है, 3 लाख मृत्यु वहाँ पर हो चुकी है, कितना बड़ा अमाउंट है ये सोचिए। और फिर क्राइसिस इन वुहान, चाइना में बात करें तो आपको पता है कि वुहान में जो आपका ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है, कोरोना वायरस नहीं, तो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ढंग से उसको कंट्रोल नहीं किया गया। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन जो है शेयर नहीं की गई। उसके बाद फेब्रवरी में जब विशल ब्लोअर जो के वहाँ के थे डॉक्टर ली वैन लियांग, उनकी भी जो है मृत्यु हो गई थी। वो मृत्यु हुई थी, हत्या हुई थी, वो तो हमें नहीं पता। ठीक है, लेकिन हुआ तो था। और फिर आगे आपको पता है कि पिछले महीने जो आपके आपके मिस्टर जी के जो एक क्रिटिक थे साई शिया, ठीक है, उनको भी उन्होंने भी जो है काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म करी, जिसके बाद जो है उनको भी एक्सपेल कर दिया गया। ठीक है, और अब मतलब सबके अंदर एक डर बना के दिखा दिया उन्होंने कि कोई भी जो है उनकी गवर्नमेंट या उनके खिलाफ जो है नहीं बोल सकता, कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ नहीं बोल सकता। और अजहरुद्दीन पोस्टर जो आपका ये साल है ना, इसमें आपकी जो खास बात रही है वो आपकी एक तो रही है कोरोना वायरस, और एक रही है वो आपका चाइना का एग्रेसिव नेचर। ठीक है, चाइना की असर्टिवनेस जो उसकी रही है। ठीक है, चाइना ने हर जगह जो वहाँ पर अपनी असर्टिवनेस दिखाने की कोशिश करी है, चाहे वो आपकी चाहे वो आपका LAC हो, ठीक है, लाइन ऑफ प्रेशर कंट्रोल, चाहे आपकी साउथ चाइना सी हो, चाहे आपका ताइवान का हो, वो कोई मैटर, ठीक है, हर जगह जो वहाँ पर उन्होंने अपनी असर्टिवनेस जो है दिखाई है। ठीक है, और आपको पता है चाइना का एक एयरक्राफ्ट कैरियर है अपने, उनका होम ग्राउंड शैनडोंग, इसका नाम याद रखना, इसका क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स में आ सकता है, जैसे एक बार आपका आया था थार्ड का। ठीक है, थार्ड आपको पता है कि अमेरिका का वेपन है, लेकिन फिर भी पूछा गया था कि थार्ड है क्या। ठीक है, तो ऐसे शैनडोंग आपका आ सकता है, कि शैनडोंग इसका नाम आपने न्यूज में सुना होगा, ये है क्या। ठीक है, तो ऐसे इसका भी आ सकता है, इसको जरूर याद रखना, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो वह क्या, ये जो शैनडोंग है इसको जो है ताइवान स्ट्रेट से बिल्कुल जो होकर गुजार दिया गया चाइना के द्वारा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये काफी ज्यादा प्रोवोकेटिव एक्टिविटी थी। ठीक है, ताइवान को प्रोवोक करने की कोशिश की गई कि वो जो है कुछ गलत करे, ठीक है, कुछ ऐसा करे जिसके बाद जो है चाइना को एक मौका मिल जाए। देन उसके बाद आपको पता है वॉशिंगटन और चाइना के बीच में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स रही हैं, कि चाइना ने हमेशा कहा है कि हम इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि वॉशिंगटन ने बहुत ज्यादा बोला है, वॉशिंगटन उसको हांगकॉन्ग को लेके, कई बार जिंगजियांग को लेके बोला है, कई बार ताइवान को लेकर बोला है। ठीक है, और हांगकॉन्ग को लेकर तो आपको पता है कि UK ने भी कई बार बोला था कि हम जो है उनको रेजिडेंसी प्रोवाइड करेंगे, हम उन लोग उनको
ठीक है, मदद करेंगे उनकी। तो इस बात को लेके यूके से भी बहस हुई थी चाइना की, ठीक है। तो आपका चाहे वो शिनजियांग में हो, शिनजियांग में खुद जाए कि आपके जो यूगर्स मुस्लिम है, ठीक है, उनको लेके अमेरिका ने कई बार बोला है कि ह्यूमन राइट वॉयलेशन वहाँ पर होता है, वहाँ के कॉटन जो है नहीं लेंगे, फोर्स लेबर वहाँ पे किया जाता है, वहाँ पर कंसंट्रेशन कैंप्स है, ठीक है। तो इनको लेके कई बार इनकी तनातनी हो चुकी है, यहाँ पर जो है चाइना को जरूर जवाबदेही अपनी देनी करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर मई में आपका लाइन ऑफ इंडस्ट्रियल कंट्रोल पे चाइना का जो असर्टिव नेचर हुआ, जो चाइना ने वहाँ पर घुसपैठ करने की कोशिश करी, ठीक है, जो वहाँ पर आपका ट्रांसग्रेशन करने की कोशिश करी, मतलब यहाँ पर भी जो स्थिति है वो बहुत खराब हो चुकी है, ठीक है। और आपको पता है कि साल खत्म हो रहा है, ठीक है, तो कोई भी जो है एक सोल्यूशन निकल कर नहीं आया है। चाइना ने पिछले 3 दशकों में हमारी जितनी भी बातचीत हुई थी, ठीक है, जितने भी हमने एग्रीमेंट साइन किए थे कि हमारा बॉर्डर पे शांति बनी रहे, वो सारे चाइना ने अभी से ठुकरा दिए हैं, ठीक है। हमारा एक गलवान वैली पे दुखद इंसिडेंट भी हुआ जिसमें हमारे 20 जवान वीरगति को प्राप्त हुए और चाइना के भी कुछ सोल्जर्स की मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो अब इस साल कुछ सुधरने के आसार हमें नहीं है, कम से कम जब तक गर्मियां नहीं आती जब तक तो बिल्कुल भी आसार हमें बिल्कुल भी कुछ सुधरने को नहीं दिखाई, ठीक है। तो अदर कुछ न्यूज आर्टिकल्स की बात करें तो उसमें आपका एक ब्रिटेन और EU के बीच में आपके ब्रेक्सिट डील जो फाइनलाइज हो चुकी है, और देन RBI का कहना है कि जो हमारा इकोनॉमिक रिवाइवल इंडिया का वो प्रिडिक्शन से काफी ज्यादा बेटर हो रखा है, ठीक है। और आपका पार्लियामेंट्री हाउस पैनल का ऐसा कहना है कि जो आपके ओलंपिक का स्टाफ है, तो आपके कोचेस हैं, प्लेयर्स हैं, मैनेजमेंट स्टाफ है, उनको जो है प्रायोरिटी बेस पे कोरोना वायरस की वैक्सीन दी जाए, ठीक है, ताकि उनके इंटरनेशनल एक्सपोजर हो सके तो वो ओलंपिक की तैयारी कर सकें। EU लीडर्स जो है आपके, उन्होंने पोस्ट ब्रेग्जिट डील की जो उन्होंने सराहना की है। देन आपका एक नया वर्जन कोरोना वायरस का निकल कर आया है, वो आपका आया है नाइजीरिया में, पहले आपको पता है साउथ अफ्रीका और UK में आ चुका है। देन आपका लास्ट है नेवीज ऑफ इंडिया वियतनाम टू वर्ल्ड पैसेज एक्सरसाइज, ठीक है, जो आपकी इंडिया की और वियतनाम की जो नेवीज है वो आपकी साउथ चाइना सी में एक मिलिट्री ड्रिल जो है कंडक्ट करेंगे, मिलिट्री एक्सरसाइज जो है कंडक्ट करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो एनालिसिस है ये आपको पूरी समझ में आई होगी, आपके सारे डाउट्स आपके न्यूज पेपर लेके खत्म हो गए होंगे, ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग एनहेंस हुई होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन अ मैरी क्रिसमस टू ईच एंड एवरीबडी ऑफ यू फ्रॉम एंटायर SEYS टीम, ठीक है। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब SEYS, जॉइन अस ऑन टेलीग्राम, थैंक यू।